पीएम मोदी शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने उन महिलाओं से बातचीत की जिन्हें सरकार की ओर से गिर गाय दी गई हैं। इस दौरान महिलाओं ने पीएम मोदी को बताया कि किस तरह गिर गाय मिलने के बाद वो आत्मनिर्भर हुई हैं। आपने हमें गिर गाय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी गिर गाय साहब रोज लगभग 17 से 18 केजी दूध देती है। गिर गाय जब से आई है तो मेरे घर में इनकम आ गई है और इससे मैं बहुत खुश। गिर गाय मिलने से सर हम तो आत्मनिर्भर तो हुए ही हैं सर, उसके साथ साथ सर हमारी संस्कृति का भी विकास हुआ है। अब दुखों की एक दवा गिर गाय। गिर नस्ल की गाय पालने के बाद किसी के तो पुराने रोग खत्म हो गए तो किसी के घर आए दिन होने वाली कलह खत्म हो गई। इस वीडियो में हम बात करेंगे गिर गाय में आखिर ऐसा क्या खास है जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। गिर गाय आमतौर पर गुजरात राज्य के गिर वन क्षेत्र, महाराष्ट्र और राजस्थान के आसपास के जिलों में पाई जाती है, लेकिन इस नस्ल का मूल स्थान गुजरात के दक्षिण काठियावाड़ में है। ज्यादा दूध देने की क्षमता के चलते गिर गाय सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी काफी मशहूर है। अमेरिका, मेक्सिको, वेनेजुएला और ब्राजील जैसे कई देश इस नस्ल को भारत से आयात करते हैं और वहां प्रजनन में भी सफल हुए हैं। बता दें कि गिर गाय एक दिन में 12 से 15 लीटर दूध देती है। गिर गाय का एक बियान में औसत दूध उत्पादन करीब करीब 1600 लीटर है। इतना ही नहीं, सभी गायों में से गिर गाय के दूध को सबसे बढ़िया माना जाता है क्योंकि इसमें 8 तरह के प्रोटीन, 6 तरह के विटामिन, 21 तरह के अमीनो एसिड, 11 तरह के चर्बी युक्त एसिड, 25 तरह के खनिज तत्व, 16 तरह के नाइट्रोजन कंपाउंड, 4 तरह के फास्फोरस कंपाउंड और 2 तरह की शर्करा जैसे तमाम पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा गिर गाय के दूध में सोना, तांबा, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, फ्लोरीन, सिलिकन जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। गिर गाय के दूध की कीमत की बात करें तो ये औसतन 65 रुपए लीटर है और गिर गाय की कीमत की बात करें तो 30,000 रुपए से लेकर 1,30,000 रुपए तक जाती है। अपनी अलग बनावट की वजह से इस गाय को पहचानना बहुत आसान है। पहला तो इसका माथा उठा हुआ और गोल होता है। गिर गाय के कान लटकते हुए और लंबे होते हैं जो पत्ते की तरह मुड़े होते हैं। इसके सींग पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं और ज्यादातर गिर नस्ल की गायों का रंग लाल होता है। कुछ गायों का रंग सफेद भी होता है जिनमें से कई के शरीर पर गहरे भूरे लाल रंग के धब्बे भी देखे जाते हैं। गिर गाय की औसत ऊंचाई 1.3 से लेकर 1.35 मीटर तक होती है जबकि गिर गाय का शारीरिक वजन 400 किलो से लेकर 475 किलोग्राम और गिर बैल का वजन 550 किलो से लेकर 650 किलो तक होता है। दूसरी गायों की तुलना में गिर गाय की इम्यूनिटी काफी बेहतर होती है। गिर नस्ल की गाय का जीवन काल 12 से 15 वर्ष तक का होता है और अपने पूरे जीवन काल में गिर गाय 6 से 12 बच्चे पैदा कर सकती है। दूसरी गायों से अलग इसका कूबड़ काफी उठा हुआ होता है। बताया जाता है कि इसके कूबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। सूर्य केतु नाड़ी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि सूरज की किरणों के संपर्क में आने पर यह स्वर्ण का उत्पादन करती है। गाय के शरीर से उत्पन्न ये सोना गाय के दूध, मूत्र और गोबर में मिलता है। ये स्वर्ण दूध या गौमूत्र पीने से शरीर में जाता है और गोबर के जरिए खेतों में जाता है। तो ये थी गिर गाय की कुछ खासियतें जो पशु पालकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं।